बीजेपी नेता अमित शाह से करने गए मुलाकात, तो आ गया ट्रोलर्स का तूफान, हुए जमकर ट्रोल। दरअसल मोदी हुकूमत के मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद गृह मंत्री अमित शाह से कैबिनेट के मंत्रियों की मुलाकात और तोहफों के लेन देन का सिलसिला जारी है। इस बीच नए उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अमित शाह से मिलने पहुँचे, जिसकी तस्वीरें सिंधिया ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की, जिस पर बीजेपी नेता को लोगों ने जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अमित शाह से मुलाकात की तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी से सौजन्य भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। उड्डयन मंत्री के ट्वीट के बाद लोग भी सिंधिया और अमित शाह को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। विकास मीणा नाम के यूजर ने लिखा, अच्छा अमित शाह से भी मार्गदर्शन ले रहा है, क्या दिन आ गए महाराज के। एडवोकेट दीपक राठौर नाम के यूजर लिखते हैं, जिंदगी भर जिस विचारधारा के खिलाफ लड़े आज उनसे ही मार्गदर्शन, कमाल है महाराज। अली माम सैयद नाम के यूजर लिखते हैं, बहुत अच्छे आदमी का मार्गदर्शन प्राप्त किया तुमने। गांधी अरुण नाम के यूजर लिखते हैं, दो कौड़ी की औकात नहीं रही तुम्हारी अब महाराज, सामान्य जनता की नजर में पायलट के सामने खड़े रहने की हैसियत नहीं रही तुम्हारी अब। तो वहीं सुरेंद्र तिवारी नाम के यूजर लिखते हैं, महाराज अब आपको इनसे मार्गदर्शन लेना पड़ रहा है, पूरी जिंदगी आप इनके राजनीतिक विचारधारा का विरोध किया है और अब मार्गदर्शन, बात कुछ हजम नहीं हो रही है, आप भी हवाई अड्डों के नाम बदलने और अदानी को बेचने में व्यस्त रहेंगे या कुछ देश हित में काम करेंगे। आपको बता दें बीजेपी की नई कैबिनेट में बहुत से मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज है। वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि राजनीतिक गलियारों से जुड़ी हर वायरल खबर आप तक पहुंचती रहे।